नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो पर। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में। देखिए, ये बहुत साधारण सी चीजें हैं जिसे अगर हम समझ जाएं तो हम किसी भी प्रोडक्ट के कैलकुलेशन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन अगर हमने इन सारे टॉपिक्स को इग्नोर किया तो बहुत सारे लोग आपके सामने एक ऐसी पोजीशन पेश करेंगे कि अगर आपने अपने पैसे यहां पर इन्वेस्ट किए तो वो इस तरीके से ग्रो होंगे या वो इस तरीके से आपको रिटर्न्स देंगे। तो कोई भी अगर आपको सिनेरियो कोई बताता है तो उसकी एक्चुअल पोजीशन वो सही में हो सकता है कि नहीं हो सकता, अगर आपको ये समझना है तो आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। ये जो टॉपिक्स हैं मैं अभी कवर कर रहा हूं इस सीरीज के अंडर में, जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट्स बिजनेस मॉड्यूल, और ये चैप्टर नंबर 9 का हिस्सा है और ये चैप्टर है कॉन्सेप्ट्स एंड मोड ऑफ एनालिसिस। तो चलिए अब हम समझना स्टार्ट करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत बेल के बटन को दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए सारे नोटिफिकेशन अपने इनबॉक्स पर। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम साधारण ब्याज भी कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, आपके पैसे की एक वैल्यू है यूज करने की। तो देखिए, अगर आपने किसी को पैसे ब्याज पे दिए हैं या पैसे आपने किसी को उधार दिए हैं तो आप चाहेंगे कि आपको सिर्फ आपका मूलधन, जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, सिर्फ प्रिंसिपल वापस ना आए, साथ साथ कुछ पैसे बढ़कर वापस आए। क्यों? क्योंकि अगर जब तक ये पैसा मेरे पास रहता वो मेरे लिए कुछ ना कुछ काम करता, वो आपके काम आ रहा है। तो कोई भी चीज जब काम आती है तो हमें उसका एक रेंट देना होता है। तो जब पैसे का रेंट देना होता है हम उसे कहते हैं इंटरेस्ट। तो अगर आपका घर कोई यूज करेगा कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक, आप उससे रेंट लेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति आपका पैसा यूज करता है तो उसे उसका रेंट देना होता है, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। अब अगर आपने अपने पैसे दिए तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर आपने बैंक से या किसी और से पैसे लिए, उसके पैसे जो आपके पैसे नहीं है यूज करने के लिए, तब आपको भी उसे क्या देना पड़ेगा, आपको भी उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब ये सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ? सिंपल इंटरेस्ट ये हुआ जहां पर आपका एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है जो आपने उधार लिया है, उस अमाउंट के ऊपर आपको एक फिक्स रेट पर इंटरेस्ट लगता जाता है। तो यहां पर कोई चेंजेस नहीं आते। अगर आपने पहले साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया तो आपको और कुछ नहीं करना है, उसे जितने साल तक आप पैसे को यूज कर रहे हो उतने साल से उसे मल्टीप्लाई करते जाना है। यहां पर चार महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। पहला होता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो उस फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए आपको जरूरत पड़ती है तीन चीजों की। पहली चीज होती है प्रिंसिपल, दूसरी चीज होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको ये पैसा मिल रहा है या आप दे रहे हैं, और तीसरी चीज की जरूरत होती है कि आपने ये पैसा कितने दिनों तक यूज किया। एक साल यूज किया तो आपका टाइम एक साल होगा, तीन साल अगर आपने पैसा यूज किया तो आपका टाइम वहां पे तीन साल होगा। तो ये तीनों चीजें मिलकर हमें चौथी चीज देती है, जिस चौथी चीज का नाम होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला भी एकदम सिंपल है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम को जब आप मल्टीप्लाई करते हो और डिवाइडेड बाय 100 करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, आपको आपका टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है। तो एक एग्जाम्पल हम देखते हैं जहां पर मिस्टर एक्स ने 10,000 रुपए बोरो किए हैं बैंक से, उन्हें कोई सामान खरीदना है, वो 8 महीने के लिए ये पैसे उन्होंने बोरो किए हैं। और सिंपल इंटरेस्ट क्या लगना है, सिंपल इंटरेस्ट उनको लगना है 10% पर एनम।
तो आप मुझे ये बताइए कि उन्हें कितना पर मंथ इंटरेस्ट देना होगा। तो चलिए हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम इसे अपने फॉर्मूले में डालें तो हमारा फॉर्मूला कहता है कि मेरा प्रिंसिपल है 10,000, मुझे इंटरेस्ट देना है 10% का, और मेरे पास में टाइम है 1 साल का, और मुझे उसे 100 से डिवाइड कर देना है, तो मुझे क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां पर पी कितना है? 10,000। मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%, और टाइम कितना है? 1 साल। मेरा 100 से जब मैं उसे डिवाइड करता हूं तब मुझे इंटरेस्ट आ रहा है 1,000 रुपए का। बट ये कितने के लिए आ रहा है? ये आ रहा है 12 महीने के लिए, और आपको देना कितने महीने के लिए है? 8 महीने के लिए। तब आप क्या करेंगे? आप इसे वापस से एक बार कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये 8 × 1,000 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। तो मैं अगर इसे 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 से डिवाइड करता हूँ, तो ये 4 2 हो जाएगा, और ये 4 3 हो जाएगा। यानी अब मुझे 2,000 ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर में 3 आएगा। अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो जब मैं 2,000 को 3 से डिवाइड करूंगा तब कैलकुलेशन क्या होगा? 3 1 और ये आ जाएगा 3 6 18, फिर 2 आएगा, ये आएगा 18, एंड फिर ये आएगा 0.66। तो अब आप एक चीज देखिए, आपका इंटरेस्ट 1 साल का आ रहा है, यानी 12 महीने का कितना आ रहा है? 1,000। तो 8 महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा? आपका आएगा 666.6। अब अगर मैं यहीं पर टाइम को चेंज कर दूं और मैं नया टाइम ले आऊं कि ये 8 महीने का नहीं है, मुझे 2 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो कोई चीज आपको चेंज नहीं करनी है, सिर्फ टी चेंज होगा, टी की जगह में 2 आएगा। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे 2,000 रुपीज का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर मैंने टाइम चेंज कर दिया तो फॉर्मूला वही रहेगा, आपका सिर्फ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। अब आपके सामने है अल्बर्ट आइंस्टाइन। बहुत बार इसकी डिबेट होती है, क्या वाकई में इन्होंने ये शब्द कहे हैं कि नहीं कहे हैं। हम एक चीज मान के चलते हैं कि उन्होंने ये शब्द कहे हैं। तो ये शब्द क्या है? उनके शब्द कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, आठवां वंडर है, वर्ल्ड का आठवां वंडर है। जो इसे समझता है उसे ये इंटरेस्ट मिलता है, और जो नहीं समझता वो जिंदगी भर ये इंटरेस्ट देता रहता है। तो याद रखिए, इसके पहले कि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब आपको समझाऊं, या मैं आपको ये समझाऊं कि वो कैलकुलेट कैसे होता है, आप दो सिनारियों देखिए। अगर आपने एक फेसबुक में पोस्ट डाला और आपने ये कहा कि मैंने एक नई कार खरीदी है, बट ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादातर केसेस में आपने लोन पे खरीदी होगी, तो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो कि रिसीव कर रहे हो? आप पे कर रहे हो। तो याद रखिए, आपको बहुत सारे लाइक्स और कमेंट आएंगे जो आपको कॉन्ग्रेचुलेट कहेंगे, लेकिन अगर आपने यही चीज डाली कि मैंने इस अमाउंट को इन्वेस्ट किया है, तो आपको बहुत सारे लोग ये बोलते हुए सुनाई देंगे कि भाई ये रिस्की है, आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट करने के पहले 2 बार सोचिए। तो देखिए, सोसाइटी इस तरीके की है क्योंकि ज्यादातर लोग कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं समझते हैं, उन्हें फॉर्मूला पता होता है, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता होती, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट जिंदगी भर पे करते रहते हैं। और बहुत कम लोग हैं जिन्हें कंपाउंडिंग अपने फेवर में कैसे करनी है ये आती है, और वो जिंदगी भर इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस पैसे को लगातार बढ़ाते रहते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड वर्ड से बना है, जहां पे कंपाउंडिंग होती है। कंपाउंडिंग होने का मतलब आपका प्रिंसिपल सेम नहीं रहता। अगर आपको याद होगा तो जो हमने पिछला एग्जाम्पल देखा था, वहां 10,000 का प्रिंसिपल 10,000 ही था। अगर 1 साल का इंटरेस्ट 1,000 है तो 2 साल का इंटरेस्ट 2,000 होगा, 3 साल का इंटरेस्ट 3,000 होगा। तो यहां पर आपको कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हो रहा है,
लेकिन जब भी आप ये कंपाउंडिंग में आएंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि जो छोटा सा डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में वो कितना बड़ा इंपैक्ट डालता है। तो चलिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम डायरेक्टली समझते हैं एग्जैक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट से अलग कैसे है और उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, एक बहुत बड़ा एक फैक्टर आता है जो आपको पता होना चाहिए कि अगर अगर मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया और उस इन्वेस्टमेंट में मैंने जैसे आपको कहा कि आपका पैसे के यूज करने का सामने वाला बंदा आपको रेंट दे रहा है, तो अगर वो रेंट मेरे पॉकेट में आ गया फिर तो ठीक है, मैं उसे यूज कर लूंगा कहीं ना कहीं। लेकिन अगर वो मेरे पॉकेट में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, रेंट अभी भी उसी के पास पड़ा है। तो अब वो मेरा सिर्फ घर यूज नहीं कर रहा है, घर के साथ जो रेंट मेरे घर पे आना चाहिए था वो भी उसे यूज कर रहा है। तो इसका मतलब है मेरा प्रिंसिपल चेंज हो चुका है, वो सेम नहीं है। तो अगर मैं इसे पैसे के नजरिए से आपको कहूं, मैंने अपने दोस्त को 1,00,000 रुपए दिए यूज करने के लिए और मैंने उससे 3 साल के लिए दिए मैंने ये पैसे, तो जब वो पहले साल का इंटरेस्ट निकालेगा अगर वो मुझे दे देता है तो मैं उसे यूज करूंगा। लेकिन अगर उसने मुझे नहीं दिया तब उसने मेरा सिर्फ प्रिंसिपल यूज नहीं किया, प्रिंसिपल के साथ उसने मेरा इंटरेस्ट भी यूज किया है। तो अब मेरा नया प्रिंसिपल बनेगा 1 साल बाद जिसमें वो इंटरेस्ट पोर्शन भी जुड़ चुका होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा ये कि हर साल आपका प्रिंसिपल बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपका प्रिंसिपल हर साल बढ़ रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा लेकिन एब्सोल्यूट रिटर्न जो आएगा वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो याद रखिए, इसे कई बार कहा जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ही है जो प्रिंसिपल पे हर साल मिलता है, लेकिन इस सिनेरियो में आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। तो चलिए इस चीज को समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कैसे मिलता है या प्रिंसिपल हर साल कैसे चेंज होता है। तो यहां पर हो ये रहा है, इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये सब हमने मिडिल स्कूल में खुद मैथ्स के सेक्शन में किया हुआ है। यहां पर क्या हो रहा है कि आपको इंटरेस्ट का, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला है लेकिन यहां पर ना क्या होता है, इंटरेस्ट अलग से नहीं निकाला जाता, इंटरेस्ट जोड़ के, सपोज मैंने आपको 1,00,000 रुपए दिए और 3 साल में मेरा ब्याज पकड़ के 1,33,000 हो रहा है, तो यहां पर हमें बाद में कैलकुलेट करना पड़ता है कि अगर मैंने पैसे दिए 1,00,000, मेरे पास लौट के 1,33,000, 1,33,000, इसका मतलब है मुझे 33,000 एज अ इंटरेस्ट मिला है। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्लासिकल फॉर्मूला है वो इंटरेस्ट ना कैलकुलेट करके नया अमाउंट कैलकुलेट आपको कर देता है। तो यहां पर आपको क्या क्या दिख रहा है, आपको P दिख रहा है 1+R/N^(NT) या N भी आप कह सकते हो। तो यहां पर A क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो चुकी, नई वैल्यू। P क्या हुआ, प्रिंसिपल हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। R, N हुआ नंबर ऑफ टाइम इट इज कंपाउंडेड पर यूनिट, राइट। और T हुआ ये कितने टाइम के लिए कंपाउंड हो रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान पे रखनी है। चलिए अब इसका एक कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो अब आप एक चीज को ध्यान पे देखिए, मैं आपको पहले एक सिंपल तरीके से बताता हूं फिर हम इसे एक बार फॉर्मूले में डालकर देखते हैं कि अगर मैंने 5,000 रुपए किसी से उधार लिए हैं 2 साल के लिए, तो इंटरेस्ट रेट अगर 10% है और कंपाउंडेड ईयरली हो रहा है तो उस केस में 2 साल बाद इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा। तो ध्यान से देखिएगा, मैं पहले इसे एक नॉर्मल तरीके से करता हूं जिससे आपको ये चीज एकदम समझ में आ जाए। तो जो पहला तरीका है कैलकुलेट करने का वो ये है कि पहले मैं निकाल लेता हूं ईयर वन। ईयर वन में क्या हो रहा है, मेरा प्रिंसिपल कितना है 5,000, मेरा टाइम कितना है 1 साल। 1 साल क्यों, क्योंकि मैं ईयर एंड की बात कर रहा हूं, 1 साल के एंड की बात कर रहा हूं। और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% है। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है ना, P into T into R by 100।
तो 5000 इंटू 1 इंटू 10 करूंगा तो 50,000 आएगा, बाय डिवाइडेड बाय 100 करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 500। अगर ये आपको अभी भी याद नहीं आ रहा है तो याद रखिएगा P इंटू T इंटू R बाय 100, तो P T R लिखा हुआ है, ये आ गया 500। अब क्या ये 500 मेरे पास वापस आ गए? जी नहीं, ये वापस नहीं आए। तो अब आप बताइए, सोच कर बताइए कि मेरा प्रिंसिपल अब क्या होना चाहिए, 5000 के 5500। जी हाँ, आपने सही सोचा है, आपका प्रिंसिपल अब चेंज होगा, अब ये बनकर हो जाएगा 5500, क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति है वो सिर्फ 5000 यूज नहीं कर रहा है, उसकी कीमत अब 5500 हो चुकी है, उसे यूज कर रहा है। तो ईयर टू में क्या होगा, मेरा प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, जो प्रिंसिपल होगा वो जो नया प्रिंसिपल होगा, न्यू पी जो होगा वो निकलेगा पुराना पी प्लस इंटरेस्ट को जोड़कर। तो अब मेरा जो न्यू पी होगा वो होगा 5500, टाइम मेरा एक ईयर ही रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% ही बोला गया है मुझे। तो अब आप बताइए, जब मैं इस फॉर्मूले में उसे डालूंगा पी इंटू टी इंटू आर बाय 100, तब क्या होगा, 550 इंटू 1 इंटू 10 बाय 100। तो अब आप देखिए, यहां पर मेरा आंसर आया 55। अब पहले साल का इंटरेस्ट कितना ड्यू हुआ था, 50, दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना ड्यू हुआ, 55, और मैंने पैसे कितने दिए थे, 5000, और कितने साल बाद पैसे वापस मिलने की बात थी, 2 साल। तो इन 2 साल में अब आप देख सकते हैं कि आपको एक, तो चलिए अब हम इसे फॉर्मूले में डाल देते हैं, तो 5500 इंटू 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। तो अब आप एक चीज देखिए, यहां पर क्या आएगा, यहां पर मेरा कैलकुलेशन आएगा ₹550। तो अब आप देखिए, आपने पहले क्या किया, ₹500 का इंटरेस्ट आपको ड्यू हुआ, लेकिन अगली बार 500 नहीं हुआ, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो 500 ही आता, अब आपको 550 आएगा, इस बार आपको 550 आएगा। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हो तो आपको 1050 का टोटल इंटरेस्ट आएगा। तो याद रखिए, कुछ इस तरीके से आपका टोटल इंटरेस्ट निकलता है। ये आसान होता है, अगर आपको 1 साल 2 साल या 3 साल का निकालना है आप मैन्युअली कर सकते हो, जैसा कि मैंने अभी आपके लिए किया, लेकिन जब ये अमाउंट बड़े हो जाते हैं तब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला डालना पड़ता है। तो चलिए एक बार हम फॉर्मूला भी डाल देते हैं। तो जब हम वो फॉर्मूला डालेंगे तो ए डालना पड़ेगा, पी डालना पड़ेगा, 1 + R/100 to the power n डाल देते हैं, ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। तो जब हम इस फॉर्मूले को यहां पर डालते हैं तब मेरे कैलकुलेशन क्या बैठेगा, ए क्या है यहाँ पे मेरा, ए है तो मुझे निकालना है, प्रिंसिपल है 5000, 1 + R रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर n, n यहां पर कितना होगा, 2 years, ठीक है। तो अगर अब मैं इसे फर्दर सॉल्व करता हूं तो ये हो गया 5000, 110 बाय 100 टू द पावर 2, राइट। अब अगर मैं इसे और सिंपल तरीके से सॉल्व करना चाहूं, सिंपल तरीके से, तो मैं इसे मैन्युअली आपको करके दिखा रहा हूं, अगर आप कैलकुलेटर में करेंगे तो कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेटर में अगर आप टू द पावर डालेंगे तो एक बार में आ जाएगा, बट फिर भी एक समझने के लिए यहां पे देखिए, मैं इसी को लिख सकता हूं 5000 11/10 इंटू 11/10। अब आप देखिए क्या ये कैलकुलेशन हो गया, जी हाँ बिल्कुल हो गया। अब 11 × 11 होता है 121, तो 50 × 121 अगर मैं करूंगा मेरा आंसर कितना आएगा, मेरा आंसर आएगा 5 × 10 and 5 × 5 और ये आ गया मेरा अमाउंट। अब अगर आपको याद होगा
तो ये अमाउंट होता क्या है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब अगर मुझे ये पता है कि 6050 मेरा प्रिंसिपल नया प्रिंसिपल है और पुराना प्रिंसिपल मेरा 5000 है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो मैं इसे यहां लेकर जाऊंगा, ये माइनस हो जाएगा, तो फाइनली जो कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1050। तो अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो हमने 1050 डायरेक्टली निकाला था सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू। तो अगर छोटा क्वेश्चन आता है तो आप नॉर्मली प्रिंसिपल को चेंज कर दीजिए हर साल और एक डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए, नहीं तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये हम हमेशा से करते आए हैं, आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते। अब देखिए आपके सामने स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो एक बहुत ही पावरफुल टेबल है। अगर आपने इसे समझ लिया तो शायद आपकी दुनिया चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर आपने नहीं समझा तो आपके लिए एक साधारण नंबर ही रह जाएंगे। मात्र 5% का अगर आप रेट ऑफ रिटर्न पाते हैं और आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो एक साल बाद वो 10,500 बन जाएंगे, लेकिन 25 साल बाद वो 33,900 रुपए बन जाएंगे। ये जो 10,000 रुपए है 33,900 रुपए बन जाएंगे। अब देखिए ये अभी तक आपके लिए नंबर है, ये अभी तक आपके लिए नंबर है। अगर आप इसे सिंपल इंटरेस्ट से कंपेयर करेंगे तब आपकी शायद आंखें खुल जाएंगी। यहां पर आप देखिए 10,000 रुपए मुझे 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सिंपल इंटरेस्ट में मिलता है तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, एक साल के लिए यही लगाऊंगा फॉर्मूला, तो मुझे हर साल कितना मिलेगा 500, और मैं कितने साल की बात कर रहा हूं, 25 साल की, तो मुझे 25 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो अब आप सोचिए मेरे 10,000 और 12,500 का इंटरेस्ट जोड़ूंगा तो 22,500 रुपए आएगा। अब आप कंपेयर कीजिए, जो छोटा छोटा डिफरेंस था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% ही है, मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं छेड़ा है, तो ऐसा नहीं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ ज्यादा कुछ मिल रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें फायदा ये हो रहा है कि हम वो जो 500 रुपए हर साल के मुझे मिल रहे थे, मैं अगर उसे विड्रॉ कर लेता तो खर्चा कर देता, मैं अभी उसे खर्चा नहीं कर रहा हूं, तो अब वो मेरे पैसे और पैसे बनाता जा रहा है और पैसे बनाता जा रहा है और पैसे बनाता जा रहा है। तो अब आप डिफरेंस देख सकते हैं, 33,900 की बजाय आपके हाथ में 22,500 रुपए ही होते। अब अगर आपको इससे भी संतुष्टि नहीं मिली है तो मैं अब आपको एक दूसरा कैलकुलेशन दिखाता हूँ, उसे आप देख लीजिए। अगर मैं इसे 20% से करता हूँ तब क्या होगा, तब आप देखिए यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 2000, और 2000 को जब मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे पैसे कितने मिलेंगे, मुझे पैसे मिलेंगे 50,000, मेरा प्रिंसिपल कितना था 60,000, तो यहां पर मुझे मिलेंगे 60,000 और यहां पर मिलेंगे मुझे 9,54,000। इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है कंपाउंडिंग। तो आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन भी फिर से करना पड़ेगा, 60,000 रुपए आपको मिलेंगे, लेकिन यहां पे कितने मिलेंगे, 9,54,000। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इसीलिए इसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहा जाता है। तो अगर आप कोई भी काम, सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, कोई भी काम अगर रोज करेंगे ना तो धीरे धीरे कंपाउंड होकर बहुत बड़ा रूप ले लेता है। अब आपके सामने एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, वो टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिलेटेड है कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो आपने अगर कभी भी ये देखा होगा या किसी बड़े बुजुर्ग को ये बात करते हुए सुना होगा कि भाई आज आप लोग खाना खाने के लिए जाते हैं 2,000, 4,000, 5,000 रुपए खर्चा करके आ जाते हैं, 5,000 रुपए में तो हमारा पूरा घर चलता था। अब घर चलने का मतलब आप समझ रहे हैं, 5,000 रुपए में उस समय आप खाना खा रहे हो, आप चीजें खरीद रहे हो, जितने आपके महीने के खर्चे हैं वो 5,000 रुपए में हो रहे हैं। लेकिन आज की डेट में हमारा, हम अगर शाम को कहीं निकल जाए तो 5,000 रुपए एक बार में खर्चा हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आज से 30 साल 40 साल पहले जो 5,000 की कीमत थी वो 5,000 की कीमत बढ़ गई कि घट गई,
हमें लगता है बढ़ गई बट एक्चुअली वो घट जाती है। याद रखिए वो घट जाती है। इसे अगर आप समझना चाहते हैं ना तो आप कुछ मत कीजिए। आप अगर देखते हैं आज से सपोज ये 2000 है, सपोज ये 2000 है, ठीक है, और आपके पास में इतने पैसे हैं, ये मनी है आपका, क्वांटिटी ऑफ मनी अभी भी देखिए सेम, ऑलमोस्ट सेम है, ये भी आपका मनी है। अभी क्या हो रहा था, इस मनी से आप इतने गुड्स खरीदते थे, गुड्स कोई भी सामान, ठीक है। अब अगर अगर जाएंगे तो शायद आप इतने सामान खरीद पा रहे। तो एक चीज सोचिए, हुआ क्या, पैसे की वैल्यू बढ़ गई कि घट गई? तो पैसे की वैल्यू घट गई। पहले इतना पैसा इतना सामान खरीद पाता था, अब इतना पैसा इतना सा सामान खरीद पा रहा है। अगर आपको अभी इससे भी संतुष्टि नहीं हुई है तो मैं आपको एक और चीज देता हूं। 10 ग्राम गोल्ड दो हजार चार पांच या दो तीन में ही चले जाइए तो आपको मिलता था 5000 रुपए का। आज वही 10 ग्राम गोल्ड कितने का मिलता है, 50,000 रुपए का। तो आप ये क्या बोल के खुश हो जाते हो, किसकी वैल्यू बढ़ गई, गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई, घटी किसकी वैल्यू, पैसे की वैल्यू। लेकिन हम तो ऐसे सोचते नहीं, हम सोचते हैं गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई, गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई, गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई। अब आपको अगर इसे ही समझना है तो आप दूसरे तरीके से समझ लीजिए। पहले आपकी जेब में 5000 रुपए हुआ करते थे तो आपके पॉकेट में क्या आता था, 10 ग्राम गोल्ड। अगर आज आपके पास सेम 5000 रुपए हैं तो आपके पास में आएगा मात्र 1 ग्राम गोल्ड। अब देखिए, देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। पहले आप गोल्ड की कीमत के हिसाब से सोच रहे थे कि भाई गोल्ड बढ़ रहा है, गोल्ड बढ़ रहा है। नहीं, गोल्ड वही का वही है, रुपए की कीमत घट रही है। और इस एग्जाम्पल में भी आप देखिए, पहले 5000 रुपए से आप क्या खरीद पा रहे थे, आप खरीद पा रहे थे 10 ग्राम गोल्ड। अब उसी 5000 से कितने खरीद पाएंगे, मात्र 1 ग्राम गोल्ड। इससे हमें क्या समझ में आया, पैसे की कीमत आगे जाके घट जाती है। तो जैसे जैसे टाइम जाता है पैसे की कीमत कम होते जाती है। तो याद रखिए इस रिलेशनशिप को कि पैसा कितने से बढ़ा कितने से घटा, उसके लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे जैसे समय जाता जाएगा टाइम टाइम जो क्या करेगा, आपके पैसे की वैल्यू को घटा देगा। तो अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं अब देखिए, क्योंकि मैंने आपको पूरा बता दिया है, आपको गोल्ड का भी एग्जाम्पल दे दिया है, एक नॉर्मल कैलकुलेशन भी करके दिखा दिया है। अब मैं अगर आपको ये वाला एग्जाम्पल देता हूँ जैसे बुक में वगैरह दिया रहता है, तो शायद आप इसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। अगर अब मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, मैंने 10,000 आपको आज ही दे दिए, या मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैं आपको 10,000 3 साल बाद दूंगा। तो आज देखिए, किसी ने बोला मैं आज ही ले लेता हूं, तो अगर वो आज ले लेता है और 10% सिंपल इंटरेस्ट में ही चढ़ा देता है, कहीं 10% सिंपल इंटरेस्ट में ही चढ़ा देता है, तो 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000। तो 3 साल बाद इस 10,000 की कीमत कितनी होगी, 13,000। तो आज आप एक चीज सोचिए, मेरे पास कितने पैसे जमा हो जाएंगे, 13,000, और आपके हाथ में 3 साल बाद कितने आएंगे, 10,000। तो किस 10,000 की कीमत ज्यादा है, आज की कि आने वाले 10,000 की? आज के 10,000 की कीमत आगे आने वाले 10,000 से हमेशा ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, घुमा के वही कहानी, जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा वैसे वैसे रुपए की कीमत घटते जाएगी। तो दो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आप चुनाव करेंगे, 10,000 आज ही ले लीजिए, उसको कहीं इन्वेस्ट कीजिए, पैसे को ग्रो कराइए, पैसे के लिए मत काम कीजिए, पैसे को काम पे लगाइए। अब ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है,
क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे इसे दो तीन तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। देखिए जब आप एग्जाम दे रहे हैं तब आपको ये टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, अदरवाइज अगर आपने एक बेसिक टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो उतना काफी है, बट एग्जाम में आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन आएंगे। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो, सुनने में बहुत बड़ा भारी लग रहा है ना, फ्यूचर वैल्यू सिंगल कैश फ्लो ये सब क्या है। देखिए ठंडे दिमाग से सोचिए, कंपाउंड इंटरेस्ट याद है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने क्या किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने ये किया था कि आज मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ 5,000 या 50,000 जो भी थे, और आपके पैसे को मैं 2 साल यूज कर रहा हूँ, तो ए निकल के आ रहा था, वो जो ए था वो क्या था, ए था आज से 2 साल बाद की वैल्यू। तो क्या होता है, जो प्रिंसिपल होता है हम उसे कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। क्या कहते हैं हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो ये जो 5,000 या 50,000 जो भी मेरा प्रिंसिपल था वो भी प्रेजेंट वैल्यू। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से आंसर आएगा वो क्या होगा, अमाउंट, लेकिन वो एक्चुअली क्या है, इस 5 या 50,000 की भविष्य की वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। तो ये प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये कोई बड़े भारी टर्म नहीं है। आज 50,000 की कीमत ये है, आगे जाके वो 50,000 कितने से बढ़ जाएगा वो आप वो बताइए, तो हो गया फ्यूचर वैल्यू। ये वर्ड क्या हुआ, सिंगल कैश फ्लो। सिंगल कैश फ्लो का मतलब हुआ पैसे एक ही बार डाले गए हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट में ना तकलीफ क्या होती है कि आप पैसे एक बार डाल सकते हो, पैसे आप इंटरवल्स में भी डाल सकते हो। जैसे हम कहते हैं ना SIP कर रहे हैं, हर महीने पैसे डाल रहे हैं या हर साल पैसे डाल रहे हैं, एक निश्चित अमाउंट हर साल पैसे डाल रहे हैं, तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है ना तो कैलकुलेशन थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन ये एक सिंपल कैलकुलेशन है, मुझे क्या करना है, एक अमाउंट मैंने डाला है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो बढ़ेगा तो XYZ में कितना बढ़ जाएगा, तो वो फ्यूचर वैल्यू होगी। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ एन्यूटी, यानी मैंने आज 10,000 डाले, एक साल बाद और 10,000 डाला और उसके एक साल बाद और 10,000 डाला, मैं ऐसे करके 10,000 करके डाल रहा हूं। अब मुझे ये बताना है कि इसकी 5 साल बाद क्या वैल्यू होगी। अगर मैंने 5 साल तक 10,000 डाले तो टोटल कितना मैंने डाला, 50,000। लेकिन क्या एक बार में 50 डाला, नहीं, वो सिंगल कैश फ्लो हो जाता है, यहाँ पे तो मैं टुकड़े में डाल रहा हूँ ना, उसी चीज को कहा जाएगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी। आप इन्वेस्टमेंट एक बार भी कर सकते हो, आप पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, दोनों के कैलकुलेशन। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो, अब क्या हो रहा है, आपको अमाउंट दे दिया है, अब आपको बोलेगा प्रिंसिपल निकालो। इसका मतलब क्या है, आपको ये कह रहा है कि अगर मुझे बच्चे की हायर एजुकेशन कितने साल बाद, 20 साल बाद, तो अगर 20 साल बाद मुझे बच्चे की हायर एजुकेशन करानी है और मुझे लगता है कि उस समय हायर एजुकेशन कराने में मुझे लगेंगे 25 लाख, तो ये जो 25 लाख लगेंगे वो आज की डेट में कितने होंगे, मैं ऐसा क्या इन्वेस्टमेंट कर दूं आज जो 20 साल बाद उससे 25 लाख बना देगा। तो जब ये क्वेश्चन आ रहा है तब आपको अमाउंट पता है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, आपको टाइम भी पता है 20 साल, आपको क्या नहीं पता है आज कितना पैसा डालना है, यानी प्रेजेंट वैल्यू, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल मतलब प्रेजेंट वैल्यू, अमाउंट मतलब फ्यूचर वैल्यू। तो कंफ्यूज मत होइए, आप अभी से फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे थे, अब आपको फ्यूचर वैल्यू निकाल के दे देगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। ठीक है, सेम चीज होगा एन्यूटी के साथ। तो देखिए मैं आपको एक बार में यहाँ पे लिख के एक बार बता देता हूं ताकि बार बार आपको कंफ्यूजन ना हो। अब आप देखिए, कभी भी जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे मिडिल स्कूल में, तब हम ये वाले क्वेश्चंस करते थे, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + r/100 n, याद है। तो जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आता था तब हमें क्या कहा जाता था, अच्छा सबसे पहले मैं ये चीजें क्लियर कर देता हूं। पी यानी प्रेजेंट वैल्यू और ए यानी फ्यूचर वैल्यू, तो नाम बदल गया है, काम वही है। तो अब आपको याद होगा तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होता था ना उसमें क्या होता था, पहले इजी क्वेश्चन में क्या होता था, प्रिंसिपल दे देता था, आर दे देता था, एन दे देता था, बोलता था पी निकालो। लेकिन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होता था ना उसमें ए दे देता था, आर दे देता था, एन दे देता था और बोलता था कि अब पी निकालो ना। तो
अब आप देखिए, अगर इसी फॉर्मूले को मैं जाऊं तो अगर मैं ए से डिवाइड कर देता हूं 1+R/100 टू द पावर एन, तो पी निकल आएगा ना। तो अगर कभी आपको फ्यूचर वैल्यू दे दे और आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोले, तो देखिए बहुत सारे लोग ना इसी को सिखा सिखा के सोचते हैं कि मतलब हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है, बट आपने कुछ नहीं किया, फॉर्मूले को सिर्फ इधर का उधर किया, वो हम करते आए, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो याद रखिएगा, ये जो दिख रहे हैं ना चार, ये बड़े टफ लगते हैं बट है नहीं टफ। तो अब आपके सामने ना, आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि आपके सामने हमने वही फॉर्मूला लगाया, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला है। तो जब कभी भी मुझे सिंगल कैश फ्लो की फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, यानी अमाउंट निकालना है, अमाउंट, ठीक है, तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अगर कंपाउंडिंग की एक फ्रीक्वेंसी होती है, आप उसे क्वार्टरली कर रहे हो, हाफ ईयरली कर रहे हो, ईयरली कर रहे हो, तो उसके हिसाब से फॉर्मूले में क्या होता है, टी उसके हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो अब अगर मैं टी है सपोज एक साल का टाइम है, तो मैं टाइम को उसके हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। अगर आधा साल है तो 1/2 कर दूंगा, अगर क्वार्टर है तो 1/4 कर दूंगा। लेकिन अगर कंपाउंडिंग कंटिन्यूअस है तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग क्या चीज हो गई। भाई अभी तक मुझे ये पता था कि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो सकती है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो सकती है, मंथली कंपाउंडिंग हो सकती है। कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग क्या है? कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग होती है, नॉर्मली आप देखेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस पे आपको चार्ज करते हैं, यहाँ पे ना हर पल कहते हैं ना, पल पल में आपका पैसा बढ़ रहा है, ठीक है, आपका मीटर चल रहा है। तो यहाँ पे ना क्वार्टरली और हाफ ईयरली नहीं हो रही है, ये कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग रुक नहीं रही है, लगातार बढ़ रही है। तो यहाँ पे एक स्पेशल फॉर्मूला लगता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये फॉर्मूला जो होता है वो कुछ नहीं होता है, आपका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इंटू ई टू द पावर आर इंटू टी, आर और टी हमको पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। ई क्या बला है भाई, ई है एक मैथमेटिकल नंबर एक्सपोनेंशियल, जैसे पाए होता है ना 22/7, वो चेंज नहीं होता, ऐसे एक्सपोनेंशियल है वो कभी चेंज नहीं होगा, 2.7183 लगेगा। तो कभी भी आपको एग्जाम में कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का क्वेश्चन आएगा तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है और 2.7183 को यूज करना है। तो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में, तो आप आराम से यूज कर सकते हैं और आप इसको आंसर को निकाल सकते हैं, जैसे आप निकाल। अब उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 2000 का मेरा डिपॉजिट है, मैंने आज किया है और 3 साल तक के लिए किया है और 10% का मेरा इंटरेस्ट रेट है, तो आप मुझे बताइए इस 2000 की प्रेजेंट वैल्यू, 2000 इसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी। फ्यूचर वैल्यू मैंने आपको क्या कहा, प्रेजेंट वैल्यू मतलब प्रिंसिपल, फ्यूचर वैल्यू मतलब अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला डाल दीजिए। तो आपने जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला डाला तो आपको वैल्यू कितनी आ गई, 2662। आपको वैल्यू कितनी आ गई, 2662, तो आपकी वैल्यू यहाँ पे निकल गई। लेकिन अगर यही कंटिन्यूस कंपाउंडिंग होता तो क्या होता, तो मैं वहां पे जो फॉर्मूला लगाता वो क्या होता, 2000 यानी प्रिंसिपल ई टू द पावर आर इंटू टी, तो आर इंटू टी टू द पावर ई फिक्स्ड है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो जैसे ही अब मैंने इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 2699972। तब आप देखिए वहां पे 2662 आ रहा था, यहाँ पे 2699, कितना बड़ा डिफरेंस आ गया है। तो याद रखिए, अगर आपको कोई टर्म्स एंड कंडीशन दे और कहे कि भैया मैं 10% 12% चार्ज करता था, अब मैं ना 10% चार्ज कर रहा हूँ कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, ये जो छोटा सा वर्ड है ना कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, आपके इंटरेस्ट को बहुत बढ़ा कर। कैलकुलेशन आपके सामने है, इतना ही बेसिक क्वेश्चन आता है, आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी, जो पॉइंट नंबर 2 था, 4 में से पहला पॉइंट तो एकदम सिंपल था, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब ये क्या चीज हुई, अब जब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी, तो मैंने आपको क्या कहा, आप पैसे हर महीने, हर साल, हर 2 साल में डाल सकते हो। अगर आप पीरियोडिक पैसे डाल रहे हो उस केस में आपको कैलकुलेशन एक
फॉर्मूला सेम है बट तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। आप इसे अगर समझना चाहते हैं तो देखिए, जैसे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि उसको हर साल अलग अलग कैलकुलेट आपको करना पड़ता है। चलिए इसको भी हम एक बार देख लें। तो देखिए, अगर इसे आप समझना चाहते हो तो आपके सामने सबसे पहले ना फॉर्मूला आपके सामने है। अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो आपके सामने ये फॉर्मूला है, ये देख के आप घबरा जाओगे, इतने सारे नंबर्स हैं, कैसे कैलकुलेट करूंगा, क्या करूंगा। पहली चीज ये है, एग्जाम में बहुत छोटा क्वेश्चन आएगा। अगर छोटा क्वेश्चन आता है आप मैनुअली कर सकते हो, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। अदरवाइज आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, आपका आंसर एक बार में आ जाएगा। लेकिन हम पहले इसको समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल के जरिए, इतना खतरनाक नहीं है जितना आपके सामने ये जो फॉर्मूला है उसमें ये लग रहा है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने एनुअली 3,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। क्या मिलेगा आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट 10% का। और आपको ये निकालना है कि ये जो हर साल मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, 5 साल के बाद में इसकी वैल्यू कितनी होगी, फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी। लेकिन मेरे पास में प्रेजेंट वैल्यू क्या सिर्फ 3,000 है, नहीं, 3,000 5 साल तक आप इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन समझने वाली बात यह है, ये डिपॉजिट हो रहा है एंड ऑफ द ईयर में। आप देखो फर्स्ट ईयर एंड कितना पैसा आया, 3,000 आया। सेकेंड ईयर एंड कितना आया, और 3,000 आया। थर्ड ईयर एंड कितना आया, और 3,000 आया। और फोर्थ ईयर एंड कितना पैसा आया, और 3,000 आया। इसके बाद अगर आप देखोगे तो फिफ्थ ईयर के एंड में आपको और 3,000 आया। लेकिन आपको ये पैसा तो अभी रिटर्न करना है, तो जैसे ही आया लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको वैसे ही लौटाना पड़ गया। तो याद रखिए, फर्स्ट ईयर के एंड से फिफ्थ ईयर के एंड तक आपने इस 3,000 को कितने साल तक आप यूज कर पाए, आप यूज कर पाए फॉर 4 ईयर्स। ये 3,000 रुपए आपके कितने साल तक काम आया, 3 साल तक। ये 3,000 आपके कितने साल काम आया, 2 साल तक। और जो आपने फोर्थ ईयर के एंड तक डाला था वो फिफ्थ ईयर के एंड तक 1 साल ही काम आया। और ये जो 3,000 था वो बिना किसी उपयोग के लौटाना पड़ गया, इसके लिए तो ये 0 ईयर्स हो गया। तो अगर आपको ध्यान होगा तो हमें तो ये कैलकुलेशन आता है कि ये जो 3,000 है 4 साल तक यूज हुआ, तो मेरा फॉर्मूला क्या लगेगा, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर N। तो यहां पर मेरे पास में एक P होगा जिसे मैं ये फर्स्ट ईयर का नाम दूंगा, फिर एक नया P होगा जो 3 साल के फॉर्मूले से लगेगा, फिर 2 साल यानी P2, लास्ट वाला होगा P3, और ये वाला जो होगा जो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दे रहा है वो हो गया P4। तो यहाँ पे N कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि N कुछ भी नहीं आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, तो ये 3,000 का 3,000 ही रहेगा। तो देखिए ये कुछ भी नहीं होगा, ये सीरीज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट होगा जिसे आप ऐड कर दोगे। तो आप देख सकते हो, मैं अगर आपको इसको सॉल्व करके यहाँ पे दिखाऊं, अब आप देखिए जो मैं कह रहा था ये आपको फॉर्मूले में दिख रहा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला है। पहले प्रिंसिपल का, पहला प्रिंसिपल है 3,000 और ये 4 साल के लिए, दूसरा प्रिंसिपल है 3 साल के लिए, तीसरा प्रिंसिपल है 2 साल के लिए, चौथा प्रिंसिपल है 1 साल के लिए, और दूसरे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो जब आप इसे जोड़ के सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18315। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है आपको कुछ नहीं करना है, आपको 5 बार कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है और उसको आपको जोड़ना है। तो इससे आपका ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन था वो आसानी से सॉल्व। अब आप एक चीज देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो। तो अगर सपोज एक बिना कैलकुलेशन के मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ समझाने के लिए, अगर आज आपने 5,000 किसी को दिए और उसने आपको आज से 3 साल बाद 6,000 रुपए लौटाए, तो फॉर्मूला क्या रहा होगा, फॉर्मूला यही रहा होगा ना, A इज इक्वल टू
पी वन प्लस आर बाय 100 टू द पावर एन, ये फॉर्मूला रहा होगा। तो जहां पे ये 5000 रहा होगा और ये 6000 रहा होगा और टाइम 3 साल रहा होगा और आर एक्स वाई जेड रहा होगा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आया था। तो मैंने आपको क्या कहा, अगर दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल ना दिया रहे तो आप दूसरा निकाल सकते हैं। तो हमारी आदत क्या है, ए निकालने की, लेकिन अगर ए दे दे तो पी कैसे निकालना है, सिंपल है। जो मैंने आपको कहा ए वहीं का वहीं रहेगा, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला नीचे आ जाएगा, उससे आपका पी निकल के आ जाएगा। अब आप देखिए ए की जगह में हो गया है फ्यूचर वैल्यू, उसे डिवाइड किया गया है किससे, 1 + r / t से। r कुछ भी नहीं है, r बाय 100 है, तो नया कुछ भी नहीं है। और p को क्या लिख दिया, pv। तो ये कोई भी आपके लिए नया फॉर्मूला नहीं है, ये आपने पहले भी किया हुआ है। तो अगर NUT होगा तो जैसे हमने देखा था ना, ठीक उसको उल्टा, फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है और जितने भी आपके कंपाउंड इंटरेस्ट है आप उसको नीचे रख देंगे, डिविजन में रख देंगे, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट में हम ये देखते हैं इफेक्टिव एनुअल रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर मैं इफेक्टिव एनुअल रिटर्न कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं, तो आपने बहुत बार सुना होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% है, लेकिन आपका इफेक्टिव रिटर्न है 10.38%। तो आप सोचेंगे ये तो कमाल की बात हो गई, वेर है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है लेकिन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 10.38 है, ये कैसे आ रहा है। ये आता है तब जब आप कंपाउंडिंग एक बार नहीं, एक से अधिक बार करते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, सपोज मेरा प्रिंसिपल है 6000 और मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%, और मेरा जो टाइम है वो है 1 ईयर। अब मैं अगर इसे दो तरीके से कैलकुलेट करूं, पहला कंपाउंड वन ईयर की करते हैं, तो मेरा अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला डालता हूं, पहला नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, तो आंसर मेरा कितना आएगा, 720 आएगा। कैसे आया भाई, 6000 इंटू 12 इंटू 1 बाय 100, क्योंकि पहले साल तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट एक ही होता है, आंसर आ गया। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये टेन्योर तो 1% है, लेकिन यहाँ पे जो कंपाउंडिंग हो रही है वो हो रही है हाफ ईयरली, तब क्या होगा, तब क्या होगा, इसे आप देखिए। इसे सॉल्व ऐसे करते हैं, मैं देखिए मैं एक सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, अगर आप चाहें तो उसमें फॉर्मूला और फॉर्मूला सब डाल के कर सकते हैं। मैं पहले 6 महीने का निकालना है ना, तो अगर 12% 12 महीने का है तो 6 महीने का कितना परसेंट रिटर्न होगा, 6% बाय 100, तो 360 रुपए आ गया इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हमें क्या पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हमें ये पता है कि जो इंटरेस्ट आता है उसे हम प्रिंसिपल में जोड़ देते हैं। तो अब अगर आप इसे प्रिंसिपल में जोड़ दोगे, तब आपका नया प्रिंसिपल कितना होगा, 6360 इंटू 6 बाय 100, राइट right? अब आप देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, 6 6 36 6 3 18 21 6 6 36 38 divided by 10, तो जो नया इंटरेस्ट होगा वो होगा 381.6। अब मुझे 360 तो मिला ही मिला, साथ में 381.6 भी मिला, इसका मतलब मुझे ये मिला 8 6 14, और मुझे इंस्टेड ऑफ 720 मुझे कितना मिल गया, 741। तो आपने देखा यहाँ पे कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में ही सेम है 12%, बट एक जगह वो 720 का रिटर्न दे रहा है और एक जगह 741 का। तो जहां पे भी ज्यादा बार कंपाउंडिंग होगी, इफेक्टिव एनुअल रिटर्न बढ़ जाएगा लेकिन नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर मल्टीपल बार कंपाउंडिंग होगी तो जो 10% है वो 10.38% आपको रिटर्न एक्चुअली में देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये एक लंबा वीडियो था,
लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो था जहां पे आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कितने अलग अलग तरीके से कैलकुलेट हो सकते हैं, और ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है वो मुझे मेरा समझाना आपको उद्देश्य था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने चाहने वालों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।